अगर मैं आपको कहूं कि आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ आपको ही पैसे नहीं देने पड़ते, कोचिंग वाले भी पैसे खर्च करते हैं और अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं, हो सकते हैं वो पैसे आपको भी मिल सकते हैं। कैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, अगर ये हमें जानना है तो कुछ ऐसे समझना पड़ेगा कि कई बार आप देखते होंगे अगर किसी छोटे कोचिंग से भी बच्चा पढ़कर अगर बाई चांस AIR 1 ला देता है या फिर कोई बहुत बढ़िया रैंक ला देता है, देन वहां पर बच्चे को ब्राइब किया जाता है और बोला जाता है कि आप कोचिंग का नाम अपने ओरिजिनल नाम नहीं लोगे, आप हमारे कोचिंग का नाम लोगे, हमारे कोचिंग से पढ़े हो। तभी हम कई बार देखते हैं कि कई बार ये सारे कॉन्ट्रोवर्सी में भी रहते हैं कि एक ही स्टूडेंट पढ़ा तो इन्होंने यहाँ था, कोचिंग का नाम यहाँ ले रहे हैं, इसके लिए पैसे कितने दिए जाते हैं, कभी 40 लाख, कभी 50 लाख तक भी दिए जाते हैं, क्योंकि AIR 1 मजाक नहीं होता। हर कोचिंग को AIR 1 लिखने का मौका नहीं मिलता, और जो कोचिंग AIR 1 लगा लेता है, मार्केटिंग फिर नेक्स्ट लेवल चली जाती है। तो जिसका एक नतीजा ये बनता है कि जिस कोचिंग के पास पैसे हैं वहां फॉल्स प्रमोशन भी होता है, बच्चों को धोखा भी दिया जाता है। और इतना ही नहीं, AIR 1 तो चलिए 40 लाख 50 लाख देकर किसी एक कोचिंग का नाम लेगा, क्योंकि अगर वो मल्टीपल कोचिंग्स का नाम ले लेगा तो यहां पर कई बार क्या होगा कि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगी कि इतने सारे कोचिंग में सेम एक बंदे का नाम कैसे हो गया, जो कि पहले कभी किसी साल में हुआ है, उसके बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे बंद हो गई। लेकिन ब्राइब तो अभी भी होते हैं, किसी कोचिंग से पढ़े कि अगर छोटे कोचिंग से निकल गए बड़े कोचिंग वाले खरीद लेते हैं। तो सोचिए कि आपने 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए देकर बड़े से बड़े महंगे से महंगे कोचिंग में पढ़ाई की और उसके बाद आपको 50 लाख रुपए मिल रहे AIR 1 के, और सिर्फ AIR 1 को नहीं मिलता, AIR 2, 300 तक 500 तक भी देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम पीछे वाले रैंक पर जाएंगे ना, लेकिन फिर भी एक कंसिडरेबल रैंक, बढ़िया रैंक होगा, तब हम देखेंगे सेम एक स्टूडेंट का नाम मल्टीपल कोचिंग्स यूज करती है, क्योंकि उनका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होगा। AIR 1 का नाम हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं, AIR 5 और AIR 6 का नाम आपने कितने जगह सुना है, चलिए AIR 10 तक हमने सुन भी लिया हो, किसी न्यूज़पेपर में एक जगह लिख भी दिया गया हो, AIR 37, AIR 44, इनका नाम आपने कितने जगह सुना है। तो अगर इनका नाम कई सारे कोचिंग यूज कर भी लेते हैं तो यहां पर कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इनका फिर रेट भी गिर जाता है। तो यहां पर पर्टिकुलरली बच्चों को खरीदा भी जाता है, और ये कोई पुरानी गेम नहीं है, और सिर्फ IIT JEE की गेम नहीं है, लगभग हर बड़े कोचिंग में होता है जहां पर मास लेवल में इतने सारे इस प्रकार का गेम चल रहा हो, जहां पर इतने सारे पैसे देकर स्टूडेंट्स आते हैं, जहां कॉम्पिटिशन, जहां रिजल्ट के बेसिस पर स्टूडेंट्स अपने कोचिंग को डिसाइड करते हैं। और कहां होता है ये, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स, लाइक कुछ ऐसे कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जहां पर हम इंडिया के टॉप कोचिंग्स नहीं ढूंढते हैं, SSC वगैरह कुछ आज के डेट में टॉप कोचिंग्स लाइक अपने खान सर वगैरह आ गए, उनके पास रिजल्ट्स भी होते हैं, लेकिन कुछ बाकी सारे अगर देख लीजिए, SSC अगर कहीं भी नॉर्मल जगह पढ़ाया जा रहा है, रेलवे अगर कहीं नॉर्मल जगह पढ़ाया जा रहा है, यहां पर उतना नहीं होता, थोड़ा बहुत होता होगा, कहीं फेक रिजल्ट्स भी दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर कहीं महंगे महंगे जगह, लाइक अगर हम नीट की बात कर ले, JEE की बात कर ले, MBA वगैरह की अगर हम बात कर लें, ये सारी चीजें चल रही होती है। और JEE में तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूं, तो JEE के बारे में तो मुझे कई किस्से पता है। बट ये पैसे आते कहां से हैं कोचिंग के पास, जिन स्टूडेंट्स ने कोचिंग से पढ़ाई कर रखी है उन्हें तो थोड़ा थोड़ा हिट होगा, थोड़ा थोड़ा अभी रिकॉल होगा, लेकिन जो कोचिंग में भी जाने वाले उनका कुछ आंख खुलने वाला है। तो जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे उसमें देखोगे काफी सारे मल्टीपल बैचेस बट रखे होते हैं, उसमें जैसे जैसे आप टॉप बैच में जाओगे प्रोफेसर टीचर्स बढ़िया बढ़िया हमें देखने को मिलते हैं, जो आपके लेक्चर्स लेंगे, जो आपको पढ़ाएंगे वो सारे काफी बढ़िया होंगे, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आओगे तो इनकी मतलब क्वालिटी काफी डिग्रेड होती है। अब रिजल्ट किनके वजह से निकलेगा, इन टॉप टीचर्स की वजह से, और इन टॉप टीचर्स को मिलते हैं टॉप स्टूडेंट्स। आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट भी होता है और बीच बीच में और भी टेस्ट होते रहते हैं, जिससे फिल्टर करते जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उन्हें बेस्ट बैच में डालेंगे और बेस्ट टीचर्स भी इन्हीं को देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स बेस्ट है, अगर इन पे हम और खर्च करेंगे और टाइम देंगे तो इनसे रिजल्ट्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। आप कितने रिजल्ट्स खरीद लोगे, कुछ तो आपको खुद के जेन्युइन भी दिखाने पड़ेंगे। तो यहां से इनके कुछ 40-50 बच्चे होते हैं जहां ये बहुत ज्यादा रिजल्ट्स लाने की कोशिश करते हैं, और बाकी जो 500, 600, 1000 बच्चे हो गए ये सिर्फ इनके पैसे कमाने की मशीन होते हैं। पैसे तो सब बराबर दे रहे हो, लेकिन बेस्ट टीचर कितने को मिल रहे हैं, 40 से 50। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि ऑलरेडी बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, इन्हें अगर और टाइम देंगे तो यहाँ रिजल्ट आने के चांसेस और ज्यादा हैं, तो मुझे रिजल्ट्स चाहिए। इतना ही नहीं, जब एक अगर कोचिंग फेमस होता है, मल्टीपल सेंटर्स खोलेंगे इस एक कोचिंग के नाम पे, और फिर पैसे हर जगह से उतने ही लूटे जाएंगे। क्वालिटी सिर्फ एक कोचिंग के किसी एक बैच में, या फिर मान लेते कुछ और कोचिंग्स हो गए, कुछ और सेंटर्स, उनके किसी एक बैच में मिल रहा होगा, बाकी सारे सिर्फ पैसे कमाने के मशीन हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि सेंटर्स नहीं खोलने चाहिए, बैचेस नहीं बांटने चाहिए, ऑफकोर्स बैचेस बांटने चाहिए, क्योंकि एक बैच में क्या होगा कि अगर ढेर सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगा। एक सेंटर ही सिर्फ क्यों, हर शहर में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए बच्चों को, लेकिन क्वालिटी बराबर दीजिए। अगर पैसे बराबर ले रहे हो तो क्वालिटी बराबर दीजिए।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसे कम कर दीजिए, पैसे आप लीजिए, क्वालिटी भी उतनी दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या चाहता है कि अगर एक 2 लाख में पढ़ रहा है, मैं 50,000 में पढ़ूँ लेकिन मेरा रिजल्ट ना है, भले मेरा रिजल्ट कम हो मैं पैसे भी कम दूंगा। स्टूडेंट आ ही रहा है क्योंकि उसे सिलेक्शन चाहिए, रिजल्ट चाहिए। पैसे लीजिए बट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अब ये कैसे करोगे, आप कोचिंग को इतने साल से इंडस्ट्री में हो, ये आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। तो फिलहाल तो आज के इस वीडियो में, लेकिन अगर आपके पास कुछ इस प्रकार के किस्से हैं शेयर करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार की स्टोरी है और आप चाहते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टोरी को शेयर किया जाए जिससे बाकी सारे स्टूडेंट्स में भी अवेयरनेस हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो स्टोरी को या फिर मुझे जीमेल कर सकते हो, मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बट जब भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा या लिंक्डइन पे तो सिर्फ हाय हेलो मत करिएगा, उस मैसेज का पर्पज भी लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो उसमें फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।